दो बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने औरंगाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बहुत मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी तरह से मौजूद है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होती है इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि अगर आप अपने पोस्ट नहीं भरेंगे तो हम मोर्चा निकालेंगे, उसके बाद सरकार ने हरकत में आई और उन्होंने फौरन है जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया, वॉक इन इंटरव्यूज इशू किया है, वो जो इंटरव्यू का जो एड पेपर के अंदर दिया गया है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि कोई मैन पावर ले करके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये दिया गया है कि हम डॉक्टर को 225,000 रुपये देंगे करके, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वही डॉक्टर्स को 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपये का पैकेज मिल रहा है और घाटी अस्पताल कह रहा है उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि हम आपको टेम्पररी 3 महीने के लिए रखेंगे। यानी कि जो डॉक्टर कहीं काम कर रहा है या नौकरी करना चाहता है वो आपके पास क्यों आएगा काम करने के लिए, अगर आप बोलेंगे कि 3 महीने के लिए हम आपके पास काम करेंगे और 3 महीने के आप बात बोलेंगे कि चले जाओ करके, यानी कि अपना रिस्क डाल रहा है, अपना पूरी मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर कोरोना के पीरियड के अंदर वो काम करेंगे और उसके आप बाद बोलेंगे कि थैंक यू नो मेंशन अब आप चले जाइए करके। तो गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस नहीं है और ये बहुत ही चिंता का विषय है, कोई भी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मंत्रियों के तरफ से बयानबाजी आती है कि हम भरने वाले हैं, पोस्ट भरने वाले हैं। अरे, जो आपने ऐड दिए हैं वही परमानेंट पोस्ट के लिए करिए, या उस ऐड के अंदर ये डालिए कि कोरोना के पीरियड के अंदर जो भी डॉक्टर काम करेगा उसको परमानेंट करने के अंदर प्राधान्य देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे करके, तब लोग आपके पास आएंगे। आपका स्टेप क्या रहेंगे सर इस बारे में? देखिए, मैंने इस बारे के अंदर मतलब बहुत ही तीखे अंदाज में मैंने अपना नाराजगी जाहिर की है कि वेंटिलेटर मंगाने से कोई प्यून उसको ऑपरेट नहीं करेगा, कोई क्लर्क उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसको डॉक्टर्स ही चाहिए, उसको मेडिकल स्टाफ चाहिए, और जब तक आप उसको भरेंगे नहीं, कलेक्टर साहब का कहना है कि 4-4 ऐड देने के बावजूद भी नहीं आ रहे लोग। डीन मैडम ने कहा कि हमने जो डॉक्टर्स की 20 पोस्ट के लिए हमने ऐड किए थे उसमें से महज 4 लोग आए हुए हैं, यानी कि आप सोचिएगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कौन बेवकूफ़ आदमी रहेगा जो 3 महीने के लिए आपके पास आएगा, आप कहेंगे कि नहीं ये सबसे खतरनाक पीरियड है कोरोना का, तुम काम करो, 3 महीने के बाद हम तुमको भेज देंगे, कोई दूसरे डॉक्टर को लेंगे। तो ये जो है ये मतलब गवर्नमेंट किस तरह से खिलवाड़ कर रही है उसका एक नमूना है।